आप पूछेंगे ये क्यों सजावट किया गया है, मैं बताता हूँ, क्योंकि सर्वेनाहा मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ये सकते हैं कि पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पे। चलता हूँ, आपको आगे से पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो पूरा दिखेगा, आपसे अनुरोध करता हूँ, तभी आप लोग यहाँ पे उद्घाटन में आ सकते हैं। कितने तारीख को उद्घाटन है सारा कुछ बताऊँगा आपको मैं। देखिए मुख्य द्वार बनाया जा रहा है यहाँ से, लकड़ियों से फ्रेम से पूरा, ये जैसा कि देख रहे हैं हम लोग आगे मुख्य मार्ग पर आ गए एकदम। ये देखिए यहाँ से जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है, देखते इधर भी देखिए तैयारी हो रही है इधर भी, और चलता हूँ पूरा बताता हूँ चल के कब है क्या है सारा जानकारी दूंगा आपको। पीएम मोदी जी का आगमन भी है यहाँ पे, उद्घाटन में आएंगे कितने तारीख को सारे देखें। यहाँ पे जो पत्थर काट के यहाँ पर रखा गया है देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये पूरा सब कार जोरों पे है यहाँ पे है इस समय, जैसा कि देख रहे हैं आप जबरदस्त तरीके से लोगों यहाँ पे मतलब इस समय तैयारी चल रही है। ये पूरा बाउंड्री बनाया जा रहा है, अभी बाउंड्री काम जारी है। चलिए पहले आपको पूरा दिखा लूँ, फिर आगे चल के पूरा दिखाता हूँ आपको चल के। पहले यहाँ से दिखा दूँ आपको कहाँ से कहाँ तक है पूरा जाना है। ये देखिए पार्किंग बनाया गया यहाँ पे गाड़ी खड़ा करने के लिए, यहाँ से एक मतलब आपको एक लिखना होगा तब आगे जा सकते हैं। ये देखिए ये पूरा नया पुलिया बनाया गया यहाँ पे, यहाँ से देखिए नया बनाया गया, सब पूरे देख सकते हैं सब पत्थर है, बाहर से पत्थर लाए गए सब लगा बनाया गया ये बाउंड्री यहाँ से। चलिए दिखाता हूँ आपको यहाँ से लेकर पूरा आपका आगे तक, ये देखिए ये देखिए यहाँ से सब काम देखे चल ही रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ से लेकर पूरा आपका आगे तक, देखिए इधर भी कार्य हो रहा है, साफ सफाई काम स्टार्ट हो गया यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ से नमस्कार मित्रों की नई वीडियो में फिर स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा सर्वेनाहा मंदिर। इस सर्वेद महामंदिर का पीएम मोदी जल्द इसका उद्घाटन करने वाले, यानी कि दिसंबर में इसका उद्घाटन होने वाला है, और कितनी तारीख को होगा वो भी पूरा बताऊंगा, वीडियो पूरे बने रहेगा। और चलता हूँ पूरा आपको तैयारी यहाँ पे दिखाता हूँ, और जल्द ही इसका जो सकते हैं कि बन के तैयार हो जाएगा, जो काफ़ी बड़े में बनाया जा रहा है, इसमें काफ़ी देश दुनिया के लोग आने वाले हैं उस दिन, जिस दिन उद्घाटन होने वाला है इसका है। तो चलते हैं पूरी तैयारियाँ दिखाते हैं आपको, जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है, जबकि आपका आज है डेट की बात करें तो आज है 16 नवंबर, और दिसंबर अगले मंथ दिसंबर में इसका उद्घाटन है, और पूरा डेट बताऊंगा कितने तारीख को होगा सारा कुछ बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो देख सकते हैं ये आपका यहाँ से लेके पूरा आपका ये पॉइंट से लेके पूरा आपका आगे तक ये पूरा सफाई कार्य चल रहा है वहाँ पे आगे तक। ये देखिए यहाँ पे शाम हो रहा है, देख दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इधर से इस साइड में, ये देखिए ये पॉइंट पूरे गंदगी है, काफ़ी साफ सफाई किया जा रहा है, अच्छा लग रहा है ये देख के। ये देखिए यहाँ से पूरा आपका आगे तक ये है, ये आपका देख सकते सर्वेनाहा मंदिर की दीवार है, ये है ये नई दीवार है ये, अरे ये पुरानी दीवार है, वो सामने जो बनाया जा रहा है वहाँ से स्टार्ट हो गया, नई दीवार बनाई जा रही है। चलते हैं आपको पूरा दिखाते हैं यहाँ से चल के आगे। तो आप इतनी देख सकते हैं तैयारी जो देख रहे हैं, ये पूरी ज़बरदस्त तरीके से तैयारी चल रही है पूरी यहाँ पे, और लगभग देख सकते हैं ये बन के तैयार हो चुका है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं सामने ये देख रहे हैं आप, ये हिस्सा नया बनाया गया है देख सकते हैं, ये पहले ये ये आपको एरिया दिखा रहा हूँ पूरा नया बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी निखर की इसकी खूबसूरती आ रही दिखाई दे रही है। यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे बनाने के लिए, जो भैया सब राजस्थान में सारे बाहर से कारीगर आए हैं बनाने के लिए यहाँ पे, अभी जो पत्थर भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं सारे पत्थर बाहर से आए लगाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो चलते हैं आपको पूरा दिखाते हैं, और बात करते हैं इस पूरी जानकारी को, जिस मंदिर का पीएम करेंगे उद्घाटन वहाँ कमल के आकार का शिखर बनाया गया है पूरा, और बताना चाहेंगे दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर के रूप में स्थापित सर्वेनाहा मंदिर उद्घाटन समारोह 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो सकता है, जो कि पीएम मोदी के हाथों इसका उद्घाटन होगा। 2 दिवसीय उद्घाटन समारोह देश में दुनिया से 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है, और वाराणसी में विशाल साधना का केंद्र सर्वेनाहा मंदिर शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है। 64,000 वर्ष में बन रहे 7 मंजिला महामंदिर का निर्माण करीब 20 साल पहले शुरू हुआ था,
मुख्य गुंबद 125 पंखुड़ियों से विशाल काय कमल पुष्प की तरह है। सफेद महामंदिर धाम में मई 2017 में 21,000 कुंडी सफेद ज्ञान महायज्ञ शुरू हुआ था। उस वक्त इसे इतिहास में सबसे विशालमय यज्ञ की संज्ञा भी दी गई थी। गुजरात में जीआरसी तकनीक से बनाए गए 9 कमलों की तरह है। महामंदिर की बात करें तो महामंदिर परिसर में 100 फीट ऊंची सदगुरुदेव की सेंट स्टोन की प्रतिमा स्थापित की गई होगी। 3,00,000 फीट में गुलाबी पत्थरों पर की गई नकाशी भी खास है। प्राचीन स्थापत्य कला के समन्वय से बने इस दिव्य आध्यात्मिक केंद्र की एक झलक पाने के लिए दुनिया के अनुयायी उत्सुक हैं। महामंदिर में बकराना पत्थर पर सफेद के दोहे अंकित 50,000 फीट में जेट तकनीक से 5,000 दोहे के उत्कीर्ण हो रहे हैं। महामंदिर खूबसूरत बनाने के साथ ही वास्तुशिल्प का भी पूरा ध्यान रखा गया है। पूर्व दिशा में प्रवाहित नहर जल की राशि के रूप में स्थापित किया गया है और लोकार्पण की तैयारी काफ़ी जोरों से है। यहाँ पे है चल रही PM के दिसंबर में संभावित दौरे की से काफ़ी चीज़ों का उद्घाटन भी होने वाला है। जैसे बता रहा हूँ आपको चाहूँगा फुलवरिया फुले पिंडरा का भी उद्घाटन, अमूल प्लांट का तैयारी की जा रही है, मतलब सतह उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं PM मोदी। और बात करें सबरी महामंदिर उद्घाटन समारोह में 18 दिसंबर काशी में आ सकते हैं PM मोदी। दुनिया का सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर के रूप में स्थापित सबरी महामंदिर उद्घाटन समारोह में 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी आएंगे। 2 दिवसीय उद्घाटन में समारोह में देश और दुनिया से 3,00,000 से ज़्यादा श्रद्धालु शामिल होने की उम्मीद, यानी कि 3,00,000 से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे। प्रधानमंत्री की इस संभावित दौरे की सूचना के बाद प्रशासनिक विभाग में तैयारी शुरू कर दी गई है। PM मोदी काशी दौरे पर काफ़ी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। दो दशक से बन रहे उमराज स्थित सफेद महामंदिर उद्घाटन समारोह 17 और 18 दिसंबर को स्थापित है। इस दौरान 25,000 कुंडी यज्ञ से 3,00,000 से ज़्यादा लोग शामिल होंगे। मंदिर प्रबंधन की ओर से इस आयोजन के लिए PM मोदी आमंत्रित किया गया है और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आगमन की समिति भी मिल गई है। यहाँ बता दें कि 2 वर्ष पहले PM मोदी सर्वे महामंदिर व्यंग योग के 98 वार्षिक उत्सव में शामिल हुए थे। यहाँ पे चलिए चलते हैं आपको पूरी दिखाते हैं आपको चल के यानी कि इसका वार्षिक उत्सव उसी दिन इसका उद्घाटन है यानी 17-18 दिसंबर को। यहाँ से ये देखिए फवारे बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फवारा बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ से तैयारी चल रही है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से। चलिए दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से ये देखिए ये फवारा बनाया जा रहा है भैया ना, ये फवारा बनाया जा रहा है यहाँ पे। चलिए आपको आगे दिखाता हूँ चल के यहाँ से, ये देखिए यहाँ से पूरा देख सकते हैं, ये यहाँ से पूरा आपका आगे तक ये बाउंड्री बनाया गया, नया बाउंड्री बनाया गया है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ सामने देखिए सूरत, और सामने देख रहे हैं ये जो यहाँ पौधे लगाए गए हैं, ये देखिए यहाँ से ये पौधे लगाए गए यहाँ पे, और सामने देख सकते हैं ये सत्यकाम सर्वेद महामंदिर धाम के यहाँ पे लिख दिया गया यहाँ पे सत्य संकल्प, ये देखिए यहाँ से देखिए यहाँ पे जबरदस्त तरीके से काम चला इधर भी, ये देखिए यहाँ से लेके पूरा आपका आगे तक, ये देखिए इधर देखिए इधर भी साइड में इधर भी पूरा पत्थर लाए जा रहा है क्रेन की मदद से। यहाँ पे सारे पत्थर सब बाहर से हैं, राजस्थान वगैरह सारे पत्थर बाहर से लाए गए हैं यहाँ पे। देखिए लिखा भी है यहाँ पे ना सारा किच 25,000 कुंडी सर्वे ज्ञान महायज्ञ 17-18 दिसंबर। चलिए आपको एक बार इधर दिखा देते हैं इधर से भी, ये भी देखिए इधर यहाँ से अभी ऊपर जाना मना है, जब चालू हो जाएगा तो लोग आराम से जाएंगे यहाँ से, ये देखिए इधर से इधर भी पौधे लगाए गए हैं ये देखिए इधर से कई सारे जो पंखुड़ियाँ यहाँ पे छोटे छोटे लगाए जा रहे हैं। इधर से देख लीजिए आप, इधर से दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से यहाँ पर इतने भी हरे हरे घास लगाए जा रहे हैं, हरे हरे घास लगाए जा रहे हैं मतलब थोड़ा सा पार्क टाइप का, लोग आराम भी कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं चाचा जी, बैठ भी सकते हैं घास पे, तो घास लगाए जा रहा है उस पर बैठ भी सकते हैं आराम से लोग, उसी लिए बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ से दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए अभी तैयारी चली रही है यहाँ से लेकर पूरा आपका आगे तक, ये जितने बड़े से देख रहे हैं ये फवारे लगाए जा रहे हैं। जब ये उद्घाटन होगा
ये पूरे चालू हो जाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, ये ग्रीन मैट से घिरा गया है, ये देखिए इधर दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से इधर भी देखिए ग्रीन हार लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, ये घास ये देखना यहाँ से ये पूरा घास लगाया जा रहा है यहाँ से, ये देखिए इधर भी यहाँ से लेके पूरा आपका आगे तक पूरे ग्रीन मैट से घेर दिया गया है इसको। ज़बरदस्त तरीके काम चल रहा है इस समय यहाँ पे, इस साइड में आ रहा है लाया जा रहा है, देखिए पूरे देखते यहाँ पे छोटा छोटे यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं, दिखा रहा हूँ आपको इधर देखिए पास दिखा रहा हूँ, छोटे 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 यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं जो कि इससे खूबसूरती और बढ़ जा रही है दिखने में, इधर से भी दिखा दे रहा हूँ आपको, अभी मैं बात किया हूँ ये सामने देख रहे हैं ये जो यहाँ पे बनाया जा रहा है, यहाँ पे बताना कि मतलब चप्पल जूता रखने के लिए स्टैंड बनाया जा रहा है यहाँ पे, देखना नहीं ये थोड़ा सा आपको इधर से दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर से इधर देखना नहीं ये पूरा यहाँ से ये देख रहे हैं सामने ये भी फुहारा बनाया जा रहा है, यहाँ से ये देखिए ये फुहारा बनाया गया है, मतलब चालू जो होगा उद्घाटन समय चालू होगा, ये पूरी पंखुड़ियाँ हैं यहाँ से यहाँ तक हाथी से लेके सारे भगवान के मतलब ये बनाए गए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से तो देख सकते हैं इधर भी देखिए चप्पल जूता रखने वाले बनाए जा रहे हैं यहाँ सामने देख रहे हैं, जैसे बता रहे भी पूछा मैं बता रहे थे महिला पुरुष के लिए बनाया जा रहा है यहाँ पे, मतलब अलग अलग रहेगा सामने देख रहे हैं जो ये देखिए इधर भी काम चल रहा है, इधर भी दिखा रहा हूँ आपको इस साइड में भी, मतलब यहाँ का जो काम हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है फिलहाल में देख सकते हैं, और सामने आपको दिखाई दिया मैं वहाँ पे फुहारा बनाया जा रहा है सामने फ्रंट में, देखिए यहाँ से काफ़ी खूबसूरत मंदिर बनाया जा रहा है, और ये काफ़ी आप जैसे जाएंगे मार्कंडेय महादेव की तरफ, मार्कंडेय महादेव के बीच में उमरहा पड़ता है उसी के बीच में ये बनाया जा रहा है यहाँ पे, देखिए लिखा भी है यहाँ पे सर्वेद महामंदिर निर्माणी सर्वे महामंदिर चर्च ग्राम मुड़वली उमरहा वाराणसी यूपी सदगुरु सदाफेल देव विहंगम योग संस्थान, और देख सकते हैं इधर भी यहाँ पे एक आपका देख सकते हैं सामने यहाँ पे आपका तैयारी चल रही है, घास लगाए जाना है यहाँ पे जैसा देख सकते हैं, इधर यहाँ पे जितने भी देख सकते हैं यहाँ से लेकर पूरा आपका आगे तक घास लगाए जा रहा है, इससे खूबसूरती और बढ़ जाएगी, देखिए मुझे दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, देखिए यहाँ से देखो इसको प्लेन किया जा रहा है, मतलब चिकना किया जा रहा है यहाँ पे इसको, अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे वेल्डिंग किया जा रहा है, देख सकते हैं वहाँ पे सामने वेल्डिंग किया जा रहा है यहाँ से लेकर पूरा फ्रंट तक, ये पूरा आपका बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है, मतलब बाउंड्री बनाया जा रहा है पूरा यहाँ से आगे तक। अब मैं ले चलता हूँ जहाँ पूरी जो तैयारी चल रही है उस साइड में, उधर चल रहा पीछे जहाँ होता है हर साल वहाँ ले चलता हूँ, वहाँ की तैयारी पूरा दिखाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ये देखिए यहाँ से जा रहा है पूरा ये। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जो हर साल यहाँ होता है तैयारी, काफ़ी जो आते हैं साधु संत जो आते हैं उनकी तैयारी उनके लिए, देख रहे हैं यहाँ पे पूरा प्रोग्राम तैयारी जाके वगैरह जो होगा इधर ही होगा, देख सकते हैं यहाँ से लेके पूरा आपका आगे तक ये पूरा देख सकते हैं तैयारी हो रही है ज़बरदस्त तरीके से, देखिए यहाँ से देख रहे नहीं ये चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आपको, ये दिखा रहा हूँ आपको इधर से देखिए
ये सामने से देखिए प्रवेश द्वार रहेगा यार यहाँ से, ये देख सकते हैं यहाँ से, ये आपका नियंत्रण कक्ष है, बोर्ड भी लगना स्टार्ट हो चुका है जैसा कि देख रहे हैं। सतगुरु सदा पहले यही देखिए, यही है आपको, ये देखिए यहाँ से लेके पूरा आपका आगे तक, ये देखिए ये सब पूरा यहाँ से लेके पूरा आपका आगे तक तैयारी चल रही है। काफ़ी मतलब लाखों की भीड़ होने वाली है, काफ़ी लोग आएंगे मतलब आएंगे, जैसा आपका पूरा जंगाई में दिया उस रूम में, यहाँ से लेके पूरा देखिए आगे तक। ये सर मेरे को रहने के लिए बनाया जा रहा है यहाँ पे फिलहाल में, अभी जो लोग आएंगे ये देखिए। और हेलीपैड भी बनाया जाएगा, क्योंकि भाई पिछले साल आए थे पीएम मोदी तो हेलीपैड बनाया गया, तो वैसे ही साल भी हेलीपैड बनाया जाएगा। चलिए देखिए इधर लोग जा रहे हैं ना, गोप्रो से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इधर यहाँ से लेके पूरा आपका आगे तक, इधर भी इस साइड भी और इस साइड भी देखिए सब, ये मतलब सब बंगाल वंगाल से लोग आए यहाँ पे, तो ये मतलब तैयारी करने के लिए बुलाया गया है इन लोग को। ये एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहा हूँ आपको यहाँ से, ये देख सकते हैं इधर से, ये देखिए यहाँ से पूरा आपको आगे तक, ये देखिए इधर से, ये भी देखिए इधर भी और इधर भी। अब मेन आपको दिखाता हूँ चल के मेन आगे यहाँ से, ये देखिए इधर, इधर भी, ये इधर से भी और इधर भी, इधर भी साइड में देखिए नियंत्रण कक्ष है ये। हो सकता है हेलीपैड भी बनाया जाए पीएम मोदी के लिए। चलिए गाड़ी खड़ा करते दिखाते हैं, चल के गाड़ी खड़ा करके यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ से पूरा होते हुए बाहर तले चलता हूँ, बाहर से पूरा दिखा देता हूँ आपको तैयारी यहाँ से। सब बंगाल से आए हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से, पूरा भी आगे तक हो रहा है वो, उधर सर गेम फैला हुआ ये चलता हूँ यहाँ से हम लोग बाहर। ये देखिए यहाँ से तो चलिए आपको पूरा मैं आपको दिखाया सर मंदिर की जानकारी दी हूँ, कब उद्घाटन है सारा कुछ है, कैसे आप लोग आ सकते हैं सारा कुछ बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके शेयर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, मिलते हैं कि नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।